और रोहन जीजू के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वाओ, वेरी नाइस ही लुक, ये वेरी क्यूट है दोनों। रब ने बनाई दी जोड़ी, जोड़ी। और जोड़ी ने बनाई दी दिहाड़ी। बहुत अच्छा लगा। अरे शादी के बाद एक अलग ही नूर आ गया ना। मस्त नूर है इनके चेहरे पे। मेरी बुआ की बेटी की शादी थी ना, उधर लंगूर आ गया था। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग का ऐसे रहते हैं। खैर बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। अच्छा मेरे को एक चीज जानने का था। हाँ जी। अच्छा आप भी म्यूजिक इंडस्ट्री से, आप भी म्यूजिक इंडस्ट्री से जी। दोनों गाना वाना गाती है। तो जब आप लोग की शादी हुई थी तो पंडित ने आप लोगों के गुण मिलाए थे कि धुन मिलाई थी? नाइस ना, नाइस जोक ना। मैं लॉकडाउन में लिखी थी ये सब। हाँ मेरे को था कि म्यूजिक इंडस्ट्री वाले आएंगे ना कप्पू में, उन लोग को सुनाएगी। अच्छा वो आप लोग और शादी भी हो गई, मेरे जोक भी यूज हो गया। वेरी नाइस। मेरे को ना आपसे एक नॉलेज का बात भी जानने का था। प्लीज प्लीज। अभी ख्याल व्याल रखती है कि नहीं? पूरा पूरा। खाने पीने का तो वही जानना था मेरे को। जब ये जूस का ग्लास लेकर आती है तो ये ग्लास को ढक कर लाती है कि कक कर लाती है? फिर मैं आपका पूरा फॉलो की मैं उधर इंस्टाग्राम पे। आप लोग हनीमून मनाने के लिए दुबई वुबई गए थे ना? हाँ। तो आते आते मेरे लिए शेक ही ले आते। शेक ले आते? लोग खजूर लेके आते। अरे तो शेक आता तो खजूर भी खुद ब खुद आ ही जाता ना। तू भी ना यार कपू। खैर मेरे को बहुत अच्छा लगा, इनका स्माइल बहुत अच्छा है। स्माइलिंग फेस है बहुत, है ना? थैंक यू। आपका कोई भाई है? क्यों बहुत है मेरे भाई। नहीं हमारी कोई बहन नहीं ना, इसलिए मैं बोली। मतलब एक ही बहन थी, वो हमने आपको दे दी है। इनका ख्याल रखना पूरा पूरा। सभी इनको ऐसा सर्दी हो, जुकाम हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, सीधा डॉक्टर के पास लेके जाने का। पक्का? ये नहीं कि घर पे गाना बीना सुना दिया तो वो ठीक हो जाएगी। वो पुराना जमाना रहते थे ना वो हीरे ने लोग, हम पति का आवाज सुन ले तो अभी हम लोग खुश हो गए, ऐसा नहीं रहता है। अभी प्रैक्टिकल रहने का, डॉक्टर के पास लेके जाने का। हाँ और इधर भी किसी को किडनी विडनी का प्रॉब्लम रहेगा ना तो मेरे को बताना। क्यों? मैंने इंटरनेट पे देखा है कैसे ऑपरेशन करते हैं। हाँ मैं देखा, मैं कर सकती। कल मैंने ट्राई भी किया था। किसके ऊपर? एक आदमी का ट्राई प्रॉब्लम हो गया उसका। क्या? वो मेरा नेट चला गया तो वो गया। आज मैं तेरा झूठा खा के आई थोड़ा सा। हाँ ये खैर आइए ना, जरा चलते हैं ना। हम लड़का लड़की अकेले। ओए उनकी शादी हो चुकी, क्या लेके जा रही है? तो शादी की बात करने के लिए ले जा रही है, और क्या लेके जा रही है मैं, आइए ना जरा। अच्छा ऐसे है सुनो, मेरे को शादी की कोई ऐसी बात बताओ ना जिसको सुनकर मैं बोलूं सपना ऐसी बातें करे तो चल जा अंदर। हाँ अंदर जा, ऐसी बात अंदर जाऊं? चलो ना अंदर, चलो ना मेरे साथ, चलो ना। आप दो मिनट रुको, मैं एक घंटे ना। वो शादी करके आए, छोड़ उसको, शादी करके आए, वो क्या सोच रहे होंगे, बदतमीजी कर रही है। रोहन इसको मैं इसलिए, इसको मुंह मत लगाओ आप। बेबी शू, क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में? शू शू क्यूट है, क्यूट है। सॉरी हमें आपकी शादी में आ नहीं सकी। क्यों? मेरे को बुलाया नहीं था ना इन्होंने। लेकिन मैं शादी के मस्त तैयारी वैयारी सब करके लाई थी। कैसी तैयारी? हाँ वो डिजाइनर नीता खुल्ला। उससे नीता खुल्ला से मैंने टाइट कपड़े भी बनवा लिए थे। हाँ और फिर वो हमारे वो मुलुंड की मौसी है, मंजू मौसी, उसके पास से पूरा मेहंदी विंदी का भी मैंने काम करवा लिया था। और फिर मैं अम्बानी के घर भी गई थी। उनके घर क्यों गई थी? रिचार्ज करवाने के लिए अपना। हाँ मेरे बाहर दुकान बंद थी तो मैं सोचा उधर ही जाती ना उनके घर पे। ओह गॉड। और वो जो नीता अम्बानी है ना, उनके साथ मेरा बहुत क्लोज रिलेशन है। अच्छा। हाँ वो मेरे को जैसे ही देखते ना गेट क्लोज कर देते। एक बात बताओ, सब कुछ मेकअप सारा मेहंदी वेहंदी सब करा है, वैक्सिंग नहीं करे, बाल आ रहे? आप तो इसकी बात कर रही हैं, यहाँ सुबह मेकअप करो शाम तक दाढ़ी आ जाती है, वो संभालना पड़ता है। मेरे को सिर्फ कप्पू जिंदगी में एक ही बात का दुख है रही। किसी बात का? वो क्या है ना कि वो गेस्ट लिस्ट रहते हैं ना 50 लोग का, आजकल तो 50 लोग ही अलाउड है ना शादी के अंदर। हाँ।
वो 50 लोग में भी मैं जगह नहीं बना पाई यार इनकी गेस्ट लिस्ट में मेरे को 50 थे अभी 50 हैं उस टाइम पे जब हमारी शादी हुई तब 200 पीपल वर अलाउड तो 200 आए थे तो उनका ऑडिशन किधर लिया था आपने ऑडिशन थोड़ी होता उसके लिए अरे इतना बड़ा ये जो रियलिटी शो करती है 12 कंटेस्टेंट फाइनल करने के लिए पूरे देश का ऑडिशन लेते हैं लोग तो 200 आदमी के लिए ऑडिशन नहीं लेंगे क्या ना बिल्कुल नहीं अरे यार इसी दोहरी मानसिकता का मैं विरोध करती हूँ सपना हो गया तेरा नहीं मेरा नहीं इनका हुआ है मेरा किधर हुआ है मेरा तो अभी बाकी है फिर शादी के मौके पर मैंने एक गाना लिखा है अच्छा वाह मैंने गाना लिखा है इसमें लिरिक्स भी मेरे हैं, अच्छा धुन भी मेरी है म्यूजिक भी मेरा है अच्छा और गाने का नाम है मेरा गाना तो मैं चाहती हूँ कि आप ये एक बार गा देंगे ना तो अच्छा रहेगा हम लोग नाला सुपारम में सब खुश होंगे बहुत क्या कह रहे हो क्या है मैं गा दूँ आप कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसी बातें कर रही है क्या लिरिक्स क्या है सांवली सलोनी अदाए मन मोनी यहाँ तक तो ठीक है हाँ। तेरे जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी ठंडे की बोतल में तेरा ओपनर तुझे गट गट मैं पी लूं लिट्टी चोखा दूं लिट्टी चोखा दूं तो ये आप गा देंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए अभी गाना है हाँ। गा दिया ना ऐसे तो गाते हैं गा दिया चल ठीक है तू बोलता अभी आपने गाना बोला तो हमारी तरफ से गिफ्ट बनता है अभी आप लोग आए हैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम हमारे घर में तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है तो आपके लिए खास मसाज है अभी नाराज फूफा मसाज शादियों में फूफा लोग नाराज रहते हैं ना इसमें क्या नाराज फूफा इसमें क्या करती है मैं फूफा को हम लोग तेल लगा के मस्त मसाज करते हैं उनको खुश कर देती है लेकिन फूफा फिर भी नहीं मानता है फिर हम लोग मिठाई मंगवाते काजू कतरी लड्डू विड्डू बेसन के पेड़े सब कुछ उनको खिलाते ताकि हाँ, खुश हो जाए हाँ, फूफा फिर भी नहीं मानते फिर उसके बाद क्या करते फूफा को शगुन चढ़ाते 11 लाख रुपए का अच्छा हाँ 11 लाख का शगुन देते शेरवानी सिलवा के देते फूफा फिर भी नहीं मानता है आज बड़ा फूफा मना रही है तू क्योंकि मामा मान नहीं रहे ना तो कम से कम फूफा ही मान लेकिन रिश्ते और फरिश्ते जो रहते हैं ना हाँ। बड़ी मुश्किल से मिलते तो मामा को तो मैं मना करेगी क्योंकि प्यार बहुत करती है मैं उनको क्या करेंगे फिर मेरे जाने का टाइम है अभी मैं चलती है मेरे को टोनी का नंबर दो ना जरा मैं उसके साथ चक्कर चलाना चाहती नहीं उसके साथ कक्कड़ चलेगी मैं चक्कर कैसे चलेगी नहीं नहीं लेकिन कितना अच्छा फैमिली लगेगा नेहा कक्कड़ टोनी कक्कड़ सपना कक्कड़ और हम दोनों के छोटे छोटे अक्कड़ बक्कड़ खैर हम लोग का तो पता नहीं आपके जब छोटे छोटे होंगे ना तभी शो पर जरूर आना लेके गॉड ब्लेस यू बहुत अच्छा लगा थैंक यू बाय अमेजिंग बाय एक बार नेहा और रोहन के लिए जोरदार तालियां नेहा रोहन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और आप ऐसे खुश रहें हमारी दुआएं हैं आपके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आप हमेशा खुश रहें मुस्कुराते रहें भगवान ने इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट दी आप दोनों को और इतने खूबसूरत आप हैं उतने खूबसूरत आप दोनों का दिल है और उतने खूबसूरत लग रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू लव यू गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच यू आर ऑल अमेजिंग अमेजिंग थैंक यू सो मच थैंक्स ऑल द बेस्ट थैंक यू लॉट्स ऑफ लव बाय लव यू थैंक यू सो मच थैंक यू बाय भैया Bye bye Kapu. Bye. Bye bye. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.